नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मलिक मुंबई यूट्यूब चैनल पर। मैं बुलेट दुबई आपके लिए लेके आया हूँ आईपीएल का मैच नंबर 9। तो भाई कल वाले मैच में बहुत बढ़िया विनिंग की हम लोगों ने। मैंने आप लोगों को जो अपडेट दी थी भाई, सारी मैगजिम 99% सही रही। पिच रिपोर्ट में मैंने आपको बोला था भाई, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बढ़िया स्कोर होगा। और इस मैच में इतना रन लगा भाई, आईपीएल का अब तक का हाईएस्ट आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ा था। कलासेन, अभिषेक शर्मा, मार्क राम, ट्रेविस हेड ने तो भाई स्टार्ट में क्या ओपनिंग दी थी, उसकी वजह से हैदराबाद ने इतना बड़ा टारगेट सेट किया भाई। सारी अपडेट मेरी सही रही थी पिछले वाले मैच में। और मैंने आप लोगों को बोला था इन टीमों के बीच जब भी मैच होता फर्स्ट पेयर जीतता है, वो टॉप ऑर्डर चलता है भाई। मुंबई का टॉप ऑर्डर भी बढ़िया चला था और इसका हैदराबाद का भी सही चला था। तो भाई कलासेन के बारे में तो मैंने आपको स्पेशली बोला था भाई, कलासेन मारेगा इस मैच में भी। और इस वीडियो में मैं मैच विनर की बात करने वाला हूँ राजस्थान और दिल्ली वाले मैच में भी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना दोस्तों। बाकी हमारे नाम से टेलीग्राम पे बहुत फेक चैनल बने हुए हैं, जो आपको ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक लाने के नाम पे भाई पैसा लूट रहे हैं ज़बरदस्त। तो इन लोगों से बच के रहो भाई, बहुत चैनल बने हुए हैं बहुत सारे। बाकी हम ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक लाने के लिए भाई किसी से फीस चार्ज नहीं करते हैं, जो भी देता हूँ फ्री देते हैं हम, बिल्कुल भी एक रुपया चार्ज नहीं करते भाई किसी से भी। कभी आपसे 2000 ले लिया, 2000 फिर मांगेंगे इतना भाई, बिल्कुल भी नहीं है भाई, पूरा फ्री काम है अपना। ऐसे बंदों से बच के रहो भाई, ये आपसे आप 2000 इनको दे गए फिर 2000 की वापस डिमांड करेंगे, इस बार से 38000 रुपये लूट ले। अब ये मेरे को मैसेज कर रहा है कि भैया मेरे पैसे ले लिए आपने, तो भैया हम पहले बात तो हमारा कोई व्हाट्सअप नंबर है ही नहीं, हमने व्हाट्सअप नंबर कोई भी पब्लिक नहीं कर रखा है, बस केवल सिर्फ एक यूज़र नेम है। बाकी ऐसे बंदों से बच के रहो, अगर आप इनको 1000 रुपये देंगे तो 500 रुपये के फिर मांगेंगे, फिर 500 मांगेंगे अलग अलग चार्ज के नाम से, और आपसे ऐसे पता नहीं कितना पैसा लूट लेंगे। बाकी रनिंग मैच में भी ये टीम को एडिट करके पता नहीं कैसे कैसे फेक स्क्रीन शॉट बना के ज़बरदस्त पैसा लूटते हैं लोगों से, तो इनसे बच के रहो भाई, ऐसे चैनल्स को लेफ्ट करो। तो बाकी दोस्तों, जो हमारा मेन ऑफिशियल चैनल है वो ये वाला, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और नीचे कमेंट में पिन कर रखा है, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। और इसमें जो यूज़र नेम है यही हमारा एकमात्र कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सअप नंबर हमने कोई भी पब्लिक नहीं कर रखा है, तो आपकी जो भी इंक्वायरी है इस यूज़र नेम पे हमको भेज सकते हैं। बाकी जो आपको गिवे का बताया मैंने भाई, वो इस बीच में भी रहेगा। मैच का भाई सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा, मोस्ट विकेट कौन रहेगा, तीनों चीज़ें नीचे कमेंट में करो, आपको 21 आरएस का कैश ज़रूर मिलेगा। तो अब चलते हैं मैच की पिच रिपोर्ट की तरफ। तो बात करते हैं हम पिच रिपोर्ट की, तो सवाई मान सिंह स्टेडियम में ये दूसरा मैच खेला जाएगा। पहले मैच में भी यहाँ पे 193 रन लगा था और जुआ में सेकंड बैटिंग ने भी थोड़ा बढ़िया स्कोर किया था यहाँ पे। तो भाई बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैट्समैन बढ़िया पॉइंट देखे जाते हैं स्पेशली भाई। पिछले मैच में तो स्पिनर्स को विकेट ही नहीं मिले थे, बहुत एक एक विकेट मिले थे। तो भाई ओपनर बैट्समैन ज़रूर होना चाहिए आपकी टीम के अंदर, एक बैट्समैन लंबा खेलता है बढ़िया टॉप ऑर्डर में से। पिच यहाँ पे फास्टर और स्पिनर दोनों को प्लेटफॉर्म देता है, पर फास्टर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं स्टार्ट के मैचेज में, तो भाई पिछले मैच में भी नहीं मिले थे और इस मैच में भी कमी उम्मीद है भाई। जैसे अभी फ्रेश विकेट है थोड़ा, जैसे ये मतलब यहाँ पे एक दो मैच हो जाएंगे तो उसके बाद में स्पिनर्स को विकेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराउंडर थोड़े ज़्यादा पॉइंट देखे जाते हैं यहाँ पे। ट्राई सेकेंड इनिंग बैट्समैन, सेकेंड इनिंग के जो बैट्समैन हैं उनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन में आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेंगे वो। अगर आप स्मॉल लीग लगा रहे हो तो उसमें भाई दो स्पिनर रखना, ज़्यादा स्पिनर को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अभी, तो जैसे 2-3 मैच हो जाएंगे इस ग्राउंड पे उसके बाद में आप ले सकते हो। तो भाई ये थी भाई SMS स्टेडियम है उसकी पिच रिपोर्ट, तो पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखे आप अपनी टीम बनाना। बाकी अब बात करते हैं हम इसी स्टेडियम के कुछ रिसेंट रिकॉर्ड्स की। तो इस ग्राउंड पे IPL में 53 मैच खेले गए हैं, उसमें बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं 19 मैच, वही बैटिंग सेकंड ने जीते हैं 34 मैच, यानी भाई सेकंड बैटिंग का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी रहता है यहाँ पे, ज़्यादातर मैच सेकंड बैटिंग जीती है। एवरेज स्कोर 160 रन का है यहाँ पर। लास्ट 10 मैच में गिरने वाले विकेट की बात करें तो 124 विकेट गिरे हैं, उसमें पेसर को मिले हैं 69 विकेट, वही स्पिनर को मिले हैं 55 विकेट। तो भाई पेसर को विकेट काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, पिछले मैच में भी हमने देखा था कि भाई स्पिनर को विकेट ही नहीं मिले थे, पेसर ने काफ़ी ज़्यादा विकेट निकाल ली थी, बोल्ट भाई 2 विकेट लेके गया था। वही लास्ट 10 मैचों की स्कोर की अगर हम बात करें, 93 रन का टारगेट बना था जो डिपेंड हुआ था, बाकी सेकंड बैटिंग ने भी काफ़ी टक्कर दी थी भाई, लगभग 6 के लगभग पाउच गई थी भाई। उससे पहले हम बात करें यहाँ पे तो 171 डिपेंड हुआ था, 214 का भी चेज हो रखा है यहाँ पे, 118 चेज हुआ था, 202 का डिफेंड, 154 का भी डिफेंड हो रखा है, यानी बड़े टारगेट चेज होते हैं तो छोटे डिफेंड भी हो सकते हैं यहाँ पे, 160 चेज है, 191 चेज है,
161 151 चेज है। तो मैयानी मैच आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है SMS स्टेडियम के अंदर। अगर राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर की रिसेंट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में है। अभी पिछले मैच में 24 रन बना के गया था, बाकी जल्दी आउट हो गया था थोड़ा। इस मैच में आज ये बड़ा स्कोर करेगा भाई, मस्ट पिक प्लेयर रहेगा बिल्कुल एक तरह से। बटलर पिछले दो मैच में से तो फ्लॉप ही है, बाकी इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि IPL में स्टार्ट के मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहता है। संजू सैमसन पिछले मैच में 82 रन मार के गया था, फॉर्म में बढ़िया अभी, तो इसको ये मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, एवरेज स्कोर तो बना के ही जाएगा। रियान पराग भाई डोमेस्टिक में भी शानदार फॉर्म में था इस साल ज़बरदस्त, और IPL में आते हुए इस साल बढ़िया रन बनाया था, तो ये भी मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, इसको ज़रूर उठाना आप लोग। सिमरन एटमायर फ्लॉप है, इसको बिल्कुल ट्राई मत करना, ये आज भी फ्लॉप रहेगा। ध्रुव जुरेल की अगर बात करो तो 20 रन बनाया गया पिछले मैच में, बाकी रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है इसकी, इस पर भी आप ट्राई कर सकते हो। आश्विन की बात करो तो 1 विकेट लेके गया था पिछले मैच में, और आज वाले मैच में भी ये कम से कम 1 विकेट तो निकालेगा ही। बोल्ट की बात करो तो बोल्ट भाई 2 विकेट फिक्स है इसके आज वाले मैच में भी, तो भाई ये मस्ट पिक प्लेयर रहेगा अपनी तरफ से। भाई आवेश खान की बात करो तो पिछले मैच में इसको विकेट नहीं मिला था, तो आज तो ये 1 विकेट तो लेगा, ज़्यादा कि मैं कह नहीं सकता इसकी। संदीप शर्मा भी 1 विकेट तो निकालेगा। चहल की बात करो तो चहल ने पिछले मैच में 1 विकेट निकाला था, ज़्यादा विकेट नहीं मिले थे। बाकी राजस्थान की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर में आएगा भाई नांद्रे बरगर, अगर आया तो कम से कम इसके 2 विकेट फिक्स हैं, इसको बिल्कुल मिस मत करना। तो अब बात करते हैं हम दिल्ली की प्लेइंग 11 और रिसेंट फॉर्म। तो दोस्तों दिल्ली की तरफ से ओपनिंग मांगे मिचेल मार्श और डेविड वार्नर। तो मिचेल मार्श ने पिछले मैच में 12 गेंद पे 20 रन बनाए, थोड़े तेज़ बनाए थे पर जल्दी आउट हो गया था। आज भी ये एवरेज स्कोर तो बना के जाएगा कम से कम, इसको बिल्कुल मिस मत करना, मस्ट पिक प्लेयर है मेरी तरफ से। तो ये डेविड वार्नर एवरेज स्कोर इसका भी पक्का है, तो इसको भी मत छोड़ना आप लोग। भाई अगर साई ओप की बात करो तो पिछले मैच में तो रन बनाए थे, पर फॉर्म इसके पास ठीक ठाक है नहीं वैसे। ऋषभ पंत भाई रिस्की प्लेयर है एक तरफ से, आप इसको आज वाले मैच में तो ट्राई मत करना मेरी तरफ से, तो भाई फ्लॉप रहेगा ये। ट्राई सिस्टम की बात करो तो इसके पास फॉर्म तो नहीं है ठीक ठाक, बाकी आप अगर लेना चाहो स्मॉल लीग में तो ले सकते हो, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसको। अभिषेक पोरेल की बात करो तो पिछले मैच में इसने 32 रन मारे थे, और आज वाले मैच में भी ये एवरेज स्कोर तो बना के जाएगा। अक्षर पटेल की अगर बात करूँ तो अक्षर पटेल 1 विकेट तो निकालेगा, ज़्यादा की कह नहीं सकता। सुमित कुमार रहे 2 विकेट लिए थे इसने, भाई कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट निकाले थे, खलील अहमद ने भी पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे, तो इनकी तरफ से आप एक तो खलील अहमद को ले सकते हो और कुलदीप यादव को ले सकते हो। तो अब अगर फाइनल प्लेइंग 11 की मैं बात करूँ मेरी तरफ से, तो सैमसन और डेविड वार्नर, यशस्वी जायसवाल, मिचेल मार्श, रियान पराग, इन प्लेयर को भाई एक भी टीम के अंदर मिस मत करना, ये आपको ड्रीम टीम के अंदर मिल जाएंगे। सैमसन एवरेज स्कोर इसका फिक्स है, डेविड वार्नर बना के जाएगा, मैंने इसको वाइस कैप्टन नोट ट्राई किया है। मिचेल मार्श थोड़ा एवरेज स्कोर तो रन बना के जाएगा, बाकी लंबे के में कह नहीं सकता कि भाई स्टार्ट में बोल्ट आएगा तो इसको आउट कर सकता है। भाई रियान पराग फिक्स है भाई, फॉर्म में है ये बंदा, इसको आप ट्राई कर सको। अक्षर पटेल तो भाई दिल्ली की बैटिंग पे मुझे इतना भरोसा है नहीं, तो ये अक्षर पटेल मिडल ऑर्डर में रन बना सकता है। भाई अगर ईशांत शर्मा की बात करो तो ईशांत शर्मा भी विकेट निकालेगा, 2 विकेट लेके जा सकता है ये, और चहल भी आज 2 विकेट निकालेगा। बोल्ट के 2 विकेट फिक्स है, तो ये मेरी तरफ से भाई प्लेइंग 11 बनाई है। बाकी इसमें अगर कुछ चेंजेज होगा तो वो मैं आपको चैनल में अपडेट करूँगा, तो चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी भाई। वही अगर मैं मैच विनर की बात करूँ तो मेरी तरफ से तो इस मैच का प्रेडिक्शन भाई राजस्थान रॉयल्स है, राजस्थान रॉयल्स इस मैच को जीतेगा, बाकी ये टीम मेरी तरफ से फाइनल नहीं है। फाइनल जो टीम होगी वो मैं आपको चैनल में अपडेट करूँगा, तो चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी भाई। अगर कुछ रिपोर्ट संबंधी भी चेंजेज होता था वो वहीं पर मिल पाता, आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा, तो जल्दी से सभी भाई चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं आपसे मेरे टाइम पर, तो चैनल को पिन टू टॉप कर लो। गोविंदा।